एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मैकेनिकल स्ट्रीम एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड, थंबनेल को देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, जो कि रॉयल एनफील्ड कंपनी में अवेलेबल है। एंड फ्रेंड, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो अवेलेबल है अक्रॉस ऑल इंडिया लोकेशन, सो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ऑफिशियल करियर पेज पे हैं रॉयल एनफील्ड कंपनी के, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स दी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है एरिया मैनेजर फॉर सर्विस, देन सोर्सिंग रिलेटेड जॉब, देन आप देख सकते हैं कि वेबसाइट ऑपरेशन रिलेटेड जॉब दिया गया है, देन आप देख सकते हैं फिनांस रिलेटेड ऑल्सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है साइबर सिक्योरिटी के लिए, एंड कंज्यूमर मार्केटिंग एंड इनसाइट्स, एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और ब्रांड स्ट्रेटजी इंटरनल ऑडिट, ऐसे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पेज नंबर दिए गए हैं जिसको आप एक्सप्लोर करके डिफरेंट टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चेक कर सकते हैं। सो हम 2 to 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चेक करेंगे टू नो कि जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड आपको कैसे जॉब अप्लाई करना है। एंड फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले, सभी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए एक माइंड ब्लोइंग जॉब अपॉर्चुनिटी है एक सेमी कंडक्टर कंपनी के साथ एज अ VLSI डिज़ाइन इंजीनियर। यस फ्रेंड्स, यू हियर द राइट, इस वीकेंड ऑन सैटरडे को एक बूट कैंप कंडक्ट किया जा रहा है, जहां पर दोपहर को 12 से 4 बजे तक एक वर्कशॉप कंडक्ट होगी VLSI के ऊपर, एंड उसके बाद VLSI टैलेंट हट टेस्ट होगा कि एंड फ्रेंड, जिसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं एंड आपका रैंक टॉप 80 लर्नर्स तक आता है, देन आपको चांस मिलेगा डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठने का। एंड फ्रेंड, इफ़ यू क्लियर इट, देन यू विल बी डायरेक्टली प्लेस्ड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एज अ VLSI डिज़ाइन इंजीनियर। सो फ्रेंड, व्हाट आर यू थिंकिंग गाइस, एंड दिस इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू क्रैक अ जॉब इन सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री विदाउट पेइंग एनीथिंग एट ऑल। एंड फ्रेंड, 50+ जॉब वैकेंसीज आर अवेलेबल, सो प्लीज़ रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल। एंड फ्रेंड, इतना ही नहीं, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 12 to 4 सर्टिफाइड वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाया जा रहा है ऑन दिस वीकेंड, एंड सैटरडे 6 अगस्त को 12 बजे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है, एंड संडे 7 अगस्त को 12 बजे सिविल इंजीनियर्स के लिए प्री सर्टिफाइड वर्कशॉप्स अवेलेबल है। एंड फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सर्टिफिकेशन की टॉपिक्स दी गई है, जैसे कि मैकेनिकल के लिए आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइविंग स्पोर्ट्स कार एंड सुपर बाइक्स, एंड सिमिलरली सिविल के लिए आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एंड फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये प्री सर्टिफाइड वर्कशॉप की जो पहले प्राइस थी वह 999 थी, बट करेंटली अनअकैडमी कोर इंजीनियरिंग है वह इसे फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। सो आपको यह जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ग्रैब करनी है एंड आपको इनरोल करना है एज सून एज पॉसिबल। सो फॉर इनरोलिंग, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज़ यूज़ द लिंक एंड यू हैव टू यूज़ माई कोड ROSHANY2022, दैट इज़ ROSHANY2022। सो फ्रेंड, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक को यूज़ करिए एंड कोड यूज़ करिए, एंड आपको रजिस्टर करना है एज सून एज पॉसिबल एंड इस अपॉर्चुनिटीज़ का आपको फ़ायदा लेना है। सो फ्रेंड, लेट्स चेक व्हाट आर दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन रॉयल एनफील्ड कंपनी। सो फ्रेंड, हम जो पहली जॉब अपॉर्चुनिटी चेक करने वाले हैं वह असिस्टेंट मैनेजर की जॉब अपॉर्चुनिटी है फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट इन मशीनिंग एंड फॉर्जिंग डिपार्टमेंट। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे यह तमिलनाडु चेन्नई तमिलनाडु लोकेशन के लिए अवेलेबल है जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड जॉब पोस्टिंग देख सकते हैं आप 23 जुलाई है, जो कि बहुत ही रिसेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है जो कि आपको परफॉर्म करना होगा। सो आप देख सकते हैं प्रोवाइड डेटा रिलेटिंग टू कॉस्ट बिल्ड अप फॉर वेरियस कंपोनेंट्स, एंड आपको नेगोशिएशन कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्म्स विद सप्लायर, रिव्यू एंड साइन ऑफ ऑन दी कॉस्टिंग नॉर्म्स विद सप्लायर, एंड आपको ऑल्सो सोर्सिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा, एंड आपको वैलिडेट करनी होगी कॉस्ट शीट्स जो कि प्रिपेयर बाय स्ट्रेटजिंग सोर्सिंग टीम फॉर क्रिटिकल पार्ट्स। सो आपको इनकी वेरिफिकेशन करनी होगी कॉस्टिंग शीट्स की, एंड आपको ऑल्सो पार्टिसिपेट करना होगा प्राइस नेगोशिएशन विद सप्लायर्स। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे की पॉइंट्स दिया गया है, जैसे कि प्रपोज एंड इम्प्लीमेंट अल्टरनेटिव फॉर कॉस्ट रिडक्शन टू हेड सोर्सिंग फॉर एग्जिस्टिंग व्हीकल। सो आपको यह भी चेक करना होगा कि आप कॉस्ट को कितने कम में मिनिमाइज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रोवाइड कॉस्टिंग डेटा टू सपोर्ट इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव वेंडर्स मटेरियल्स वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट्स, एंड यू हैव टू मॉनिटर एंड एनालाइज वेरियंस इन मटेरियल कॉस्ट फॉरकास्ट रिस्क एंड डेवलप रिस्क मिटिगेशन प्लान्स, एंड यू हैव टू प्रोवाइड टाइमली एंड ऑब्जेक्टिव फीडबैक एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ टीम मेम्बर्स। सो फ्रेंड, इस टाइप की आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि
वर्क एक्सपीरियंस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी के बारे में दिया गया है। दैट इज़ आप देख सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में, सो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिमिलरली अगर आपने NTTF भी किया हुआ है टूल एंड डाई में तो भी आप एलिजिबल हैं। एंड अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सो फ्रेंड, इस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज चेक कर लेते हैं जो कि है एरिया मैनेजर सर्विस के लिए। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यह जॉब अपॉर्चुनिटी 3 अगस्त को आई है एंड द लोकेशन इज़ है चेन्नई तमिलनाडु। सो यहाँ पे देख सकते हैं जॉब पर्पस दिया गया है एंड आप देख सकते हैं कि आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। बहुत ही मल्टीपल पॉइंट्स दिए गए हैं, सो हम इसमें से कुछ की पॉइंट्स चेक करेंगे। सो आप देख सकते हैं जैसे कि आपको क्रिएट कस्टमर इंगेजमेंट प्लान बेस्ड ऑन द मार्केट बिहेवियर एंड कॉम्पिटिशन टारगेटिंग एरियाज, सो आपको यह डिस्कस करना होगा। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ आफ्टर सेल सर्विस एंड देयर बाय इंक्रीज कस्टमर मार्केट शेयर, सो आपको बेसिकली कस्टमर इंक्रीज करना होगा। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्कशॉप लोडिंग एंड अचीविंग डिफाइंड टारगेट्स बाय नंबर ऑफ जॉब ऑर्डर्स एंड सर्विस वॉल्यूम्स। एंड यहाँ पे देख सकते हैं यू टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रोवाइड सर्विस रिक्वायर्ड टू एक्सीड एक्सपेक्टेशन एंड मैक्सिमाइज कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन बाय इंश्योरिंग दैट द कस्टमर रिसीव्स कॉन्स्टेंट केयर एंड अटेंशन। सो बेसिकली आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन हैंडल करना होगा यहाँ पे बेसिकली। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट दिया गया है जैसे कि आपको कंट्रीब्यूट करना होगा स्ट्रेटजिक बिजनेस प्लान में फॉर स्पेयर पार्ट्स इंक्लूडिंग मार्केट वॉच, चैनल पार्टनर विजिट्स, डीलर विजिट्स, कॉम्पिटिटर इन्फॉर्मेशन। सो आपको पूरी मैनेजमेंट मैनेज करना होगा कि आप कैसे डिस्कस करते हैं चैनल पार्टनर से डीलर के बारे में रिगार्डिंग दी योर कंपनीज प्रोडक्ट। देन आप देख सकते हैं यू टू क्रिएट अट्रैक्टिव स्कीम्स विच विल कवर द टारगेट कस्टमर टू अटेम्प्ट अ सर्विस विजिट टू दी वर्कशॉप। एंड आपको कस्टमर को अगर कोई भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आपको उसको अपडेट भी करना होगा, जैसे कि अगर कोई नई प्रोडक्ट या कोई पॉलिसीज वगैरह है कंपनी की ला तो आपको उन्हें इन्फॉर्म भी करना होगा, लाइक SMS, सोशल मीडिया ऑफ रॉयल एनफील्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग ऑन टाइम पीरियोडिक सर्विस, सर्विस रिमाइंडर्स एंड फॉलो अप कॉल। सो इस टाइप की आपको अपडेट हमेशा कस्टमर को प्रोवाइड करनी होगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव टू सपोर्ट दी कंपनी ऑन अंडरस्टैंडिंग करेंट सर्विस कस्टमर प्रोफाइल एंड एक्सपेक्टेशन एंड यू हैव टू इंश्योर न्यू मॉडल सर्विस रेडीनेस वाया सर्विस ट्रेनिंग इनिशियल पार्ट किट्स। सो इस टाइप की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी होगी। एंड आप यहाँ पे एजुकेशन देख सकते हैं बैचलर इन इंजीनियरिंग दैट इज ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इज रिक्वायर्ड। एंड आपको यह 7+ ईयर्स की जॉब एक्सपीरियंस होनी चाहिए बिकॉज फ्रेंड यह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यह मैनेजरियल लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटी है, सो इसमें एक्सपीरियंस नीडेड है। सो फ्रेंड, अगली जॉब अपॉर्चुनिटी चेक करने के पहले जो कि है एरिया मैनेजर फॉर दी सेल्स, फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब मैकेनिकल स्ट्रीम एंड आप इस वीडियो को शेयर करें आपके फ्रेंड्स एंड आपके नेटवर्क में ताकि इस वीडियो के बारे में सबको मीन्स आइडिया मिल सके एंड उनकी जो जॉब अप्लाई कर सके वो एंड जॉब पा सके। एंड फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब मैकेनिकल स्ट्रीम, यह हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी जॉब रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाएं। सो फ्रेंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी जो है एरिया मैनेजर सेल्स की। एंड फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश लोकेशन के लिए है एंड जॉब पोस्टिंग डेट है वो 26 जुलाई है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है जैसे कि यू हैव टू इंश्योर दी सेल्स ऑफ व्हीकल बेस्ड ऑन दी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय क्लस्टर मैनेजर। सो आपको जो भी गोल्स सेट किया गया है आपके मैनेजर दैट इज जो कि क्लस्टर होंगे उनके द्वारा आपको इसे कंप्लीट करना होगा। जो भी टारगेट दिया गया है आपको प्लानिंग करनी होगी एंड आपको अब जो आपकी गोल्स है वो भी अचीव करनी होगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स जैसे कि मार्केट शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। एंड आपको हैंडलिंग ऑफ डीलरशिप इन द स्पेसिफाइड रीजन, रिव्यू द सेल्स प्रोसेस एट डीलरशिप्स। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप यू हैव टू ट्रेवल एज पर फिक्स जर्नी साइकिल टू डीलरशिप एंड रिव्यू फॉर कॉस्ट। सो आपको रेगुलर मीन्स डीलरशिप के साथ जैसे कि डीलर्स वगैरह हैं उनके साथ आपको रेगुलर मीटिंग वगैरह करनी होगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इशूइंग ऑल डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल्स एंड इंश्योरिंग दैट अप्रोप्रिएट डीलरशिप रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड, अटेंडिंग द कस्टमर कंप्लेंट्स, इंश्योरिंग दैट हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑब्टेंड। सो आपको मीन्स हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे करना है यह सब आपकी आपको मीन्स चेक करनी होगी। एंड आपको एक प्रॉपर MIS रिपोर्टिंग भी बनानी होगी एंड यू हैव टू ऑर्गेनाइज राइड्स एंड कस्टमर मीट्स एज पर द टारगेट्स। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्च ऑफ वेरियट कस्टमर स्कीम्स एज एंड वेन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द एनुअल बजट एंड कॉस्ट फॉर द रीजन। सो
जो कि MIS रिपोर्टिंग फ्रेंड, जो एक बेसिकली मैनेजमेंट के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है, तो उसके में आपको ये बनानी होगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप करना हो क्रिएट करनी होगी जो कि बिजनेस पार्टनर है आपके, जैसे कि डीलर्स हो गए, बैंक हैं, फाइनेंशियल्स इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इन सब के बारे में आपको हमेशा हमेशा एक अच्छी रेपो बना के रखनी होगी। देन आप देख सकते हैं, यू हैव टू इम्प्लीमेंट अ स्पेशल प्रोजेक्ट एंड ड्राइव इम्प्रूवमेंट एज पर दी TAT, दैट इज़ अ टर्न अराउंड टाइम एंड वेब कन्वर्जन रेशियो। सो आपको इस टाइप की परफॉर्म करनी होगी ड्यूटी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, 4+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज़ अ रिक्वायर्ड। एंड जो आपको डिग्री रिक्वायरमेंट है वो मीन्स मैकेनिकल की होनी चाहिए। सो इस टाइप की रिक्वायरमेंट दी गई है। सो फ्रेंड, अगर आप कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप टॉप राइट कॉर्नर में अप्लाई नाउ बटन देख सकते हैं, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देन इस टाइप की पेज ओपन होगी। यह एक स्मॉल अप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है जो कि आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, आपकी मोबाइल नंबर, क्या की स्किल्स है, यह सब आपको यहाँ पे इंटर करनी है। एंड उसके बाद इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है ना, आपको इस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करना है सबमिट बटन पे क्लिक के। एंड फ्रेंड, अगर इस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है या अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है, प्लीज़ आप कमेंट करिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। एंड फ्रेंड, अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं कोई पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पे, सो प्लीज़ कमेंट करिए, हम उसे ज़रूर एनालिसिस करेंगे एंड आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। एंड फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब मैकेनिकल स्ट्रीम। थैंक यू।